हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेड मैन्स शूज। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही पुराने वीडियो दिखाई जाती है और ये वीडियो होती है रिचर्ड और एंथनी की। ये दोनों भाई होते हैं और ये दोनों बचपन में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रिचर्ड अपने छोटे भाई एंथनी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसका काफ़ी ख्याल रखता है। जिसके भी एंथनी जो कि दिमागी वीक था और ऑब्वियस जैसे तैसे बस भी था और ये लोग बड़े हो गए। और बड़े होने के बाद रिचर्ड जो कि आर्मी में चला गया और एंथनी जो कि घर में अकेला बचा। और फिर यहाँ से हमारा सीन कट होता है और हमें पिक्चर डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रिचर्ड को देखते हैं और रिचर्ड अब अपने गाँव में वापस आता है। और जैसा कि सब लोग अपने घर वापस आते थे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। रिचर्ड अपने घर आकर के बिल्कुल खुश नहीं था और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था एंड उन्हें लगा कि वो यहाँ पे कहीं बुरा चलने वाला है। और ऐसा इसीलिए था कि हमें पता चलता है कि जब सालों पहले रिचर्ड एंटी के घर में एंटी अदा शोजअप की चला गया था तब उसके पीछे को ड्रग माफिया पड़ गए थे। इन्होंने एंटी के सर बहुत बुरा सलूक किया, उसे काफ़ी अब्यूज किया और उसे काफ़ी गिरफ्तार करवाया करते थे और ऐसे ही काफ़ी सालों तक चलता रहा। और जैसे इन सारी चीज़ों के बारे में रिचर्ड को पता लगा तो तभी वो अपने आदमी चाची छुट्टी लेकर के अपने टाउन में वापस आ गया और घर आकर के वो एंटी से कहता है कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम मेरे होते हुए तुम्हें कोई इतना नहीं लगा सकता है क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंथनी और रिचर्ड एक छोटे से आर्म हाउस में रुके होते हैं और अब जैसी सुबह होती है तब रिचर्ड अपने भाई के बुजुर्ग को ढूंढने के लिए एक कैफे में चला जाता है और ये कैफे ड्रग माफिया के लीडर का ही होता है। इसी कैफे में एक हार्वी नाम का आदमी होता है जो यहाँ पे ड्रग्स डीलिंग का काम कर रहा होता है। रिचर्ड अब इसी कैफे में बैठ करके आदमी को काफी घूर घूर के देख रहा होता है और जब हार्वी रिचर्ड को देखता है कि वो मुझे घूर रहा है तब वो सीधे रिचर्ड के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उसे क्यों घूर रहे हो। और ये सुन करके रिचर्ड हार्वी के ऊपर काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज से हार्वी काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। और वो अब यहाँ से भागने के बाद कैफे के ऊपर जाता है ड्रग माफिया के लीडर के पास और उसे ज्यादा ड्रग लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही हार्वी कैफे से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है अगेन से हार्वी के सामने रिचर्ड आ जाता है जिसे देख करके हार्वी की सांसें फूलने लगती है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी रिचर्ड हार्वी के पास आता है और उससे आकर के हाथ मिलाता है और उसे कहता है कि तुम उनसे डरो मत, मुझे माफ कर दो, बड़े तुम्हारे पर चिल्ला करके अच्छा रहेगा। ये बात सुन करके हार्वी रिचर्ड को माफ कर देता है लेकिन वो यहाँ पे रुकता नहीं है और वो यहाँ से सीधे भाग जाता है क्योंकि हार्वी को पता चल जाता है कि रिचर्ड जो कि एंथनी का भाई है। और सीधे यहाँ से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उन्हें जाकर के बताता है कि एंथनी का भाई रिचर्ड जो अब वापस आ गया है। और ये बात सुन करके हार्वी के सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनके सामने अब वही सीन चलने लगता है जो कि उन्होंने एंथनी के साथ किया होता है। इसके बाद हम आगे से अब रिचर्ड और एंथनी को देखते हैं। ये लोग एक फार्म हाउस में होते हैं जहाँ पे रिचर्ड एंथनी से कहता है कि मुझे कल सुबह टाउन वापस जाना होगा, मुझे कोई अर्जेंट काम है। और टाउन का नाम दोबारा से सुन करके एंथनी काफी ज्यादा डर जाता है और एंथनी रिचर्ड से कहता है कि मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगा। जिस पर रिचर्ड एंथनी से कहता है कि ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अपना काम निपटा करके जल्दी आ जाऊँगा। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं और रिचर्ड टाउन के लिए निकल जाता है। अब हमारा सीन यहाँ से कट होता है और हमें हार्वी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हार्वी अपने घर में होता है और उसका गेट नॉक होता है और गेट नॉकिंग की आवाज़ सुन करके हार्वी काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो जा करके अब डोर ओपन करता है तब उसके सामने एक गैस मास्क पहन करके एक आदमी खड़ा होता है। मास्क को देख करके हार्वी समझ जाता है कि ये रिचर्ड है, इसीलिए वो गेट फोन से बंद करता है और अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि रिचर्ड हमारे घर अपने घर आ गया है। जिसके बाद हार्वी अपने फ्रेंड्स के साथ घर के बाहर निकलता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, इधर वापस आ जाते हैं। तभी इन्हें वॉल पे लिखी हुई एक वार्निंग मिलती है और ये वार्निंग रिचर्ड ने लिखी होती है क्योंकि और अब इन लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ पे सच में रिचर्ड आया था और रिचर्ड यहाँ पे अपना मिशन पूरा करने के लिए आया था जो कि उसका मिशन पूरा भी हो गया। और अब हार्वी और उसके सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर गए थे, ये लोगों ने डर में ही अपनी रात गुजारी। और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ही हार्वी और उसके सभी फ्रेंड्स अपने गैंग लीडर के पास निकल कर रिचर्ड के बारे में बताने के लिए। लेकिन जब ये लोग अपने गैंग लीडर के पास पहुंचते हैं तब वो लोग नोटिस करते हैं कि गैंग लीडर का चेहरा जो कि रिचर्ड ने एक लॉट के जगह बना दिया होता है और ये सब कुछ रिचर्ड ने रात में ही किया होता है। और गैंग लीडर जो रात में काफी नशे में था इसीलिए उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। यहाँ पे हार्वी अब गैंग लीडर को बताता है कि रिचर्ड जो कि एंथनी का भाई है और अब वो यहाँ पे एंथनी के साथ जो कुछ भी हुआ है उन सब चीजों का बदला लेने के लिए आया है। यहाँ पे गैंग लीडर जब एंथनी का नाम सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा गलत एंथनी के साथ इसी गैंग लीडर ने किया होता है। तभी इन लोगों की बातचीत चल रही होती है, उसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी गैंग के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और उनका भी हाल गैंग लीडर के जैसा ही था जो कि रिचर्ड ने किया हुआ था। इन लोगों की सबसे गुस्से वाली बात ये नहीं थी
कि रिचर्ड आ गया है। उनको सबसे ज्यादा डर ये था कि शहर में जितने भी लोग हैं अभी तक इन लोगों से डरते थे, लेकिन अब इस शहर में कोई नया आ गया है जिन्हें ये पूरी गैंग डर रही है। सभी यहाँ पे गैंग लीडर को देखते हैं और उसको शक होता है कि हमारे गैंग में एक लड़की जो कि हमारे लिए काम करती है, उसी ने एंजेल के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब रिचर्ड को बताया है। इसलिए ये सभी मिलकर के उसी लड़की के पास जाते हैं और उसे काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। लेकिन इस लड़की ने कुछ नहीं किया होता है क्योंकि वो लड़की मासूम होती है, जिसके बाद ये सभी ड्रग माफिया यहाँ से निकल जाते हैं और अभी लोग यहाँ से निकल ही रहे होते हैं। अभी इनके सामने अब रिचर्ड आ जाता है और रिचर्ड को देख करके इस गैंग के बाकी मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गैंग का लीडर जो यहीं पे खड़ा होता है और वो रिचर्ड के पास जाता है और उसे पूछता है कि बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें हम लोगों से डर नहीं लगता? जिसको रिचर्ड गैंग लीडर से कहता है कि मुझे क्यों तुमसे डरना चाहिए, डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए, और अगर मैं चाहता तो तुम्हें रात में ही खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक क्लोन बना करके छोड़ दिया। ये बात सुनकर की गैंग लीडर अब रिचर्ड से कहता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, जिस पर रिचर्ड अब गैंग लीडर से कहता है कि मुझे मैं तुम्हें बहुत ही जल्द बता दूंगा, बस आज रात तुम अपनी पूरी टीम के साथ मेरे फार्म हाउस पे आ जाना। और यहाँ पे गैंग लीडर रिचर्ड का एटीट्यूड और उसके बात करने के तरीके को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है, जिसके बाद गैंग लीडर अपनी पूरी टीम के साथ बैठ करके बात कर रहा होता है। फिर ये लोग मिलकर के प्लान बनाते हैं कि ये लोग अब रिचर्ड को खत्म कर देंगे। अभी हम इसी टीम के एक आदमी को देखते हैं जो उठ करके यहाँ से वॉशरूम में चला जाता है और अब काफी देर हो जाती है, अभी तक वो अपने बाथरूम से बाहर नहीं आया होता है। इस पर अब गैंग लीडर और इसकी पूरी टीम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अभी तक वो वॉशरूम गए और अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। फिर इसी वजह से ये लोग बाथरूम में चेक करने के लिए जाते हैं, अभी नोटिस करते हैं कि वो आदमी जिसको कोठारी से इसी बाथरूम में जान से मार दिया गया है, लेकिन पीछे लिखा होता है कि यानी कि एक मर गया और ये सब कुछ रिचर्ड का ही किया कराया होता है, क्योंकि इन लोगों के प्लान बनाने से पहले ही रिचर्ड ने इनकी गैंग का एक आदमी को मार दिया। और ये सारी चीजें देख करके गैंग लीडर भी अब काफी ज्यादा डर चुका था। अब इन लोगों ने रात काफी डर में बिताई होती है, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं और गैंग लीडर अब अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके रिचर्ड के फार्म हाउस के लिए निकल जाता है, जहाँ पे इन लोगों ने प्लान बनाया होता है कि फार्म हाउस पे जाकर के ये लोग रिचर्ड को जान से मार डालेंगे। और गैंग लीडर ने रिचर्ड को मारने के लिए अपने पास एक नाइफ रखी थी और अब फाइनली ये लोग रिचर्ड के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, जहां थोड़ी ही दूर पे गैंग लीडर अपनी टीम के एक आदमी को उतारता है और उसे कहता है कि तुम रिचर्ड के फार्म हाउस में जाओ और उसे बाहर लेकर के आओ, हम लोग यहाँ पे दो से निशाना लगा देंगे रिचर्ड के ऊपर और वो जान से मर जाएगा। इसीलिए गैंग लीडर की टीम का एक आदमी जो फार्म हाउस में जाता है और रिचर्ड को बाहर निकाल के लाता है, तभी गैंग लीडर अब राइफल से निशाना लगाता है और रिचर्ड के ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन ये गोली उसी आदमी को लग जाती है जो कि गैंग लीडर की टीम का ही होता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ रिचर्ड भी बच जाता है, लेकिन हम यहाँ पे अब गैंग लीडर को देखते हैं जो कि अपने राइफल में सिर्फ एक ही गोली लाया था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो एक ही गोली से रिचर्ड को जान से मार डालेगा, लेकिन उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, जिसके बाद इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वापस टाउन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद इनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए ये लोग एक गैस स्टेशन पे रुक जाते हैं वहाँ से फ्यूल डलवाने के लिए। और हम देखते हैं कि इन गैंग लीडर और उसकी टीम काफी ज्यादा डरी हुई थी, इन लोगों के पसीने छूट रहे थे इसी वक्त, और इन्हीं की टीम का एक आदमी जो काफी ज्यादा डर चुका था और अब वो वापस से टाउन में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वापस टाउन में गया तो फिर वहाँ पे रिचर्ड आएगा और उसे जान से मार डालेगा। इसीलिए वो अपने पूरी टीम से कहता है कि हमें टाउन वापस नहीं जाना चाहिए, हमें किसी और जगह जाना चाहिए, लेकिन इसकी बात से टीम का कोई भी मेंबर भी सहमत नहीं होता है और इसीलिए इस आदमी को अकेले ही दूसरी जगह जाना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की किस्मत और खराब होती है, इन्हें पता लगता है कि इनकी कार जो कि खराब हो गई है, इसीलिए इन लोगों को अपने आगे का सफर पैदल ही करना पड़ता है। और इन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि ये सब लोग एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि एक साथ रहने पे ही इन लोगों की सेफ्टी रहेगी, अगर अलग अलग हुए तो फिर रिचर्ड आकर के इन लोगों को जान से मार डालेगा। और अब पैदल चलते चलते ये लोग फाइनली गैंग लीडर के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर के ये सब लोग अपने अपने पेपर्स उठाते हैं और सबसे पहले ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं चेक करने के लिए कि हमसे पहले रिचर्ड यहाँ पे आया तो नहीं है और यहाँ आकर के कहीं छुपा तो नहीं है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि रिचर्ड जो कि इनके घर में इनसे पहले आ चुका था, लेकिन वो घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं छुपा था, जबकि वो इनके किचन में आकर के छुपा था। और हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि गैस मास्क पहने होता है और वो अब इनकी किचन में ही रखी हुई केतली में इनके ही बने हुए ड्रग्स को डाल देता है। कि यहाँ पे अब गैंग लीडर की टीम का एक मेंबर आता है और वो यहाँ केतली उठा करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास लेकर के जाता है,
और ये सभी लोग उसकी इडली से चाय पीते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर ड्रग्स का असर होने लगता है और ये लोग काफी ज्यादा पागल होने लगते हैं। इन लोगों को बिल्कुल होश नहीं रहता है और काफी ज्यादा तड़प रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पे रिचर्ड को आते हुए देखते हैं और वो इन लोगों को ऐसी हालत में देख करके काफी खुश होता है। और इस समय रिचर्ड अब एंथनी के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों का बदला लेता है। वो अब इन सभी लोगों को टॉर्चर करता है। इसके बाद वो गैंग लीडर को घसीट करके किचन में लेके जाता है और उनके सर पे शॉकर मार करके उसके ऊपर गोली चलाता है, जिससे कि गैंग लीडर की मौत हो जाती है। जिसके बाद रिचर्ड अब सीधे हार्वी के पास जाता है और उससे जा करके कहता है कि मुझे तुम थोड़ा ठीक लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा हाल बाकी लोगों के जैसे नहीं करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसीलिए रिचर्ड अब हार्वी के सामने एक सूटकेस लेकर के आता है और उस सूटकेस को खोलता है, जिसके अंदर अब इनके उसी साथी की लाश होती है, जो कि सुबह इन्हें छोड़ करके दूसरी टाउन की दूसरी तरफ चला गया था। और ये चीज देख करके हार्वी काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो रिचर्ड की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। असल में यहाँ पे रिचर्ड को इनके एक और साथी के बारे में जानना था, जिसका नाम था मार्क। और साथ ही हार्वी अब रिचर्ड को मार्क का एड्रेस भी दे देता है और ये सुन करके रिचर्ड हार्वी को गले लगाता है। और यहाँ पे रिचर्ड ने हार्वी को गले इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वो उसे अच्छा मानता था, उसने गले हार्वी को इसलिए लगाया था ताकि वो हार्वी को पीछे से स्टैप करके जान से मार सके। और ऐसा ही होता है, रिचर्ड अब हार्वी को पीछे से स्टैप करके जान से मार डालता है। और फिर यहाँ से हमारा सीन कट होता है और अब हम रिचर्ड और एंथनी को देखते हैं। रिचर्ड अब अपने भाई एंथनी के साथ मार्क के टाउन में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे सबसे पहले मार्क के दो छोटे बच्चे मिलते हैं। और रिचर्ड उन दोनों बच्चों के पास जाता है और उनके हाथ में एक मास्क और चाकू देता है और उनसे कहता है कि इन दोनों चीजों को लेकर के अपने घर जाओ। और अपने फादर से कहना चाह करके कि ये एक सोल्जर ने दिया है, जिसके बाद मार्क के दोनों छोटे बच्चे अपने घर जाते हैं और अपने फादर यानी कि मार्क को मार्क और नाइफ दिखाते हैं, जिसे देख करके मार्क काफी ज्यादा डर जाता है। और वो अपने दोनों बच्चों के साथ जहाँ पे रिचर्ड था और उसने इन दोनों बच्चों को मास्क और चाकू दी थी। असल में ये सब कुछ रिचर्ड का ही प्लान होता है ताकि मार्क अपने घर से बाहर आ जाए। और रिचर्ड जो कि मार्क के घर के पास ही होता है, और मार्क जब अपने घर से चला जाता है तब रिचर्ड मार्क के घर को नॉक करता है और उस मार्क की वाइफ से डोर को ओपन करती है। और ये चीज देख करके रिचर्ड अब मार्क की वाइफ से कहता है कि जब मार्क घर वापस आए तो उसे कहना कि एंथनी का भाई रिचर्ड आया था। जिसके बाद रिचर्ड यहाँ से चला जाता है और मार्क अब अपने घर में वापस आता है, जहाँ पे मार्क की वाइफ मार्क को बताती है कि एंथनी का भाई रिचर्ड आया था। और एंथनी का नाम सुनकर के मार्क काफी ज्यादा डर जाता है और उसका दिमाग घूमने लगता है। वो समझ जाता है कि अब उसकी मौत के दिन करीब आ गए हैं, इसीलिए वो मरने से पहले अपने वाइफ को सारा सच बता देता है और उसे कहता है एंथनी जो उसके ही ग्रुप का एक छोटा मेंबर था और हम लोग एंथनी को काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे, उसको अब्यूज करते थे और उसी जो वजह से ड्रग्स करवाते थे, और वो कुछ कर भी नहीं पाता था क्योंकि वो माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब था। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी टीम वाले उसके साथ काफी बुरा करते थे, लेकिन मैंने उन लोगों को रोका भी नहीं। और एक दिन तो मेरी टीम के लोगों ने एंथनी को काफी ज्यादा ओवरडोज कर दिया था। उन लोगों ने एंथनी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया और उसे काफी अब्यूज किया, जिस पर एंथनी काफी ज्यादा रोने लगा था। और फिर इन लोगों ने एक फांसी का फंदा बनाया और उसे एंथनी के गले में लगा करके उसे ऐसा ट्रीट किया जैसे कि उसे फांसी दी जा रही है। और ये सारी चीज देख करके एंथनी काफी जोर जोर से रो रहा था और अपने भाई रिचर्ड को बुला रहा था, और एंथनी चुप नहीं हो रहा। जिस पर इन लोगों ने एंथनी को ये कह करके चुप कराया कि अगर तुम काफी जोर जोर से चिल्लाओगे तो फिर तुम्हारे भाई को गोली लग जाएगी और वो मर जाएगा, इसीलिए एंथनी शांत हो गया था। और इससे भी इन लोगों का मन नहीं भरा था, जिसके बाद इन लोगों ने एंथनी को एक अंधेरे से कमरे में बंद कर दिया था। और उसी अंधेरे कमरे में एंथनी काफी ज्यादा डर गया था और इसी वजह से उसने खुद से ही फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई। और यहाँ पे हमें इस मूवी का बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आता है। अभी तक हम रिचर्ड के साथ एंथनी को देख रहे थे, लेकिन एंथनी की मौत जो कि उसी अंधेरे कमरे में फांसी लगाने से हो गई थी, और अब एंथनी जिंदा नहीं था। और अभी तक रिचर्ड के साथ हम एंथनी को देख रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ रिचर्ड का इमेजिनेशन था। और रिचर्ड को इसी चीज का डिक्टेट था, तो अपने भाई को घर में अकेला छोड़ करके यहाँ से चला गया था। जब रिचर्ड एंथनी के फ्यूनरल में आया तभी वो समझ गया था ये कोई सुसाइड नहीं है, जबकि ये एक मर्डर है। तभी से उसने पता लगाने की कोशिश की आखिर मेरे भाई एंथनी को किसने मारा है, और पता लगाते लगाते उसी फाइनली इस बारे में पता लग गया कि एंथनी को मारने के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया का ग्रुप था। इसीलिए उसने ये ठान लिया कि वो उन सभी लोगों को जान से मार के ही रहेगा। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है और अब हम रिचर्ड को देखते हैं, जो कि मार्क को लेकर के अब उसी अंधेरे कमरे में आ जाता है जहाँ पर एंथनी ने सुसाइड की थी। अब रिचर्ड मार्क को उसी अंधेरे कमरे में ला करके उसे पूछता है कि बताओ उस दिन क्या क्या हुआ था जिस दिन मेरे भाई ने सुसाइड की थी। जिस पर मार्क अब रिचर्ड को सेम स्टोरी सुनाता है जो कि उसने अपनी वाइफ को बताई थी, और इसी के साथ मार्क रिचर्ड से कहता है कि लेकिन इसमें मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था।
और ये बात सुनकर के टीचर अब मार्क से कहता है कि मैंने अपने भाई की मौत का बदला तो सबसे ले लिया लेकिन मुझसे बदला कौन लेगा। ये चीज सुनकर के मार्क काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और टीचर अब मार्क को बताता है कि हाँ मैं भी अपने भाई को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो मुझे अपने ऊपर काफी बड़ा बोझ रहता था, इसीलिए मैं उसे इसी टाउन में अकेला छोड़ करके चला गया था और इसी चीज का मुझे तब से गिल्टी है। मैं अपने भाई को यहाँ पे अकेला छोड़ करके चला गया और सुसाइड कर ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जान से मार डालो। मैं अपनी गलती के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मार्क रिचर्ड को मारना तो नहीं चाहता था लेकिन रिचर्ड बार बार मार्क को फोर्स कर रहा था और इसी वजह से मार्क अब फाइनली टीचर को चाकू से स्टैब करके उसको जान से मार डालता है और अब फाइनली मार्क की जान बच जाती है क्योंकि मार्क ने कुछ भी गलत नहीं किया होता है। और अब मार्क खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है और मार्क को दिखाते ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।